हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ। लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खबर भिमंडी शहर से है, जहां पुलिस ने चार ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका और कनाडा की दो कंपनियों को 2.5 करोड़ रुपए के पत्थर भेज दिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा की दो कंपनियों ने भिमंडी शहर के दो कंपनियों से 2.5 करोड़ की चादर खरीदी की थी, लेकिन माल भेजने वाली कंपनी में चार लोगों ने मिलकर चादर की जगह पत्थर भरकर अमेरिका और कनाडा की दोनों कंपनियों को भेज दिया। भिमंडी के कालहेर में एनएम के टेक्सटाइल्स मिल्स और ग्लोब कॉर्टियन कंपनी के गोदाम है। एनएम के टेक्सटाइल्स के पास से शिकागो और कनाडा की दो कंपनियों ने 1,26,99,809 रुपये की चादर भेजने की मांग की थी। वहीं अमेरिकी कंपनी ने ग्लोब कॉर्टियन से 1,15,00,000 रुपए की चादर भेजने की मांग की थी। माल विदेशी कंपनियों के पास पहुंचते ही जब इसकी जांच की गई तो उसमें चादर की जगह पत्थर निकला, जिसके बाद विदेशी कंपनियों ने एनएम के टेक्सटाइल्स और ग्लोब कंपनी को इसकी जानकारी दी। दोनों कंपनियों के मालिक ने भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जाँच में पता चला और पुलिस ने चार आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सरफराज अंसारी 45 वर्ष, मोहम्मद फारूक कुरैसी 46 वर्ष, मोहम्मद रेहान कुरैसी 29 वर्ष, मोहम्मद मुलजिम कुरैसी 30 वर्ष। इनके पास से 1,92,870 रुपए की चादर भी बरामद की गई है। ये जो कंटेनर है हमारे पास दिसंबर महीने में 2 फिरियाद आई है, उसमें जो इनका कंटेनर जाता था वो बेडशीट उनका उसमें सामान था मटेरियल, तो नावा सेवा या गोडाउन से निकलते हुए नावा सेवा JNPT से वो US या फॉरेन में जाता था, तो वहाँ ये कंटेनर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे ये माल पहुँचे नहीं है, वहाँ पे पत्थर वगैरह वो कंटेनर में सब पहुँच गए हैं। तो इसका मतलब ये फ्रॉड हुआ है, बीच में ही कहीं तो भी कंटेनर में से माल चोरी हुआ है। तो हिसाब से हमने वो 2 फिरियाद दिसंबर महीने में दाखिल किया, उसमें जो है वो सी बर्ड एजेंसी ओम साई लॉजिस्टिक के द्वारा जो सीलबंद कंटेनर के जरिए जो है 20-10 को जो माल भेजा था उसमें लगभग 1,26,99,000 का जो बेडशीट और चोरी का माल था उसमें एक FIR हमने दाखिल की 6/1950/20/407/34 के तहत। और दूसरा भी इसी तरीके का जो फिरियादी सचिन सज्जन झुंझुनवाला, इनका भी माल गया था लगभग 1,15,00,000 का। तो इस तरीके से दोनों, ये भी 666/2020, वो दोनों मिला के हमने तपास जो है हमारे ACP प्रशांत ढोले साहब के पास दिया था, तो उन्होंने 2 टीम बनाई और 2 टीम के अंदर एक टीम में थे टोकले और दूसरे टीम में पुष्कर और उनके 4-4, 5-5 कर्मचारी। हिसाब से हमने 4 आरोपी जो है उत्तर प्रदेश से जमा किए हैं, ताबे मिले उनके पास से हमें लगभग 1,92,00,000 का माल मिला है। टोटल माल गया था 2,41,99,800 रुपये का और उसमें से हमें 4 आरोपी मिले और 1,92,00,000 का माल जो है बरामद हुआ है। इसमें जो आरोपी है सब UP से हमने ताबे मिले और माल भी वहीं से लिया है। इसके पहले भी उनके दूसरे पुलिस स्टेशन मुंबई में गोवंडी वगैरह ये साइड में उनके खिलाफ मामले दर्ज है, तो और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि और ऐसे मामले जो है हमारे सामने आने के बाद इसमें आरोपी होने की संभावना है, तो वो हिसाब से हमारे जो ACP है प्रशांत ढोले वो तपास कर रहे हैं।